हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी बनाने के लिए एक हम एप्पल लेंगे, उसे अच्छे से हम छील लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह छील लिया है और इसे हम ज़्यादा देर तक छील कर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये काला पड़ जाएगा और ये बच्चे के पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब इसे हम काट लेंगे। इसे हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। इसी तरह हम सारे एप्पल को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब इसे हम एक कटोरे में डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे पानी में करके, कि मैंने इसे धो लिया अच्छी तरह से। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इस पे हम एक पतीला डालेंगे। पतीला में पानी डालेंगे। पानी डाल के जो मैंने एप्पल काट लिया था, इसे हम पानी में डाल के उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम ढक देंगे ताकि ये जल्दी उबल जाए। अब एक बार हम इसे देख लेंगे कि मेरा एप्पल जो है वो ठीक से उबला है या नहीं। देखिए, ये अच्छी तरह उबल चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि मेरा एप्पल अच्छे से उबल चुका है। देखिए, अब हम इसे जार में डाल लेंगे, पानी के साथ ही डालेंगे। अब हम इसे ठंडे होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मैंने जो एप्पल ठंडे होने के लिए जार में डाले थे, वो अब ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम अच्छी तरह पीस लेंगे। देखिए, मैंने एप्पल को अब अच्छी तरह पीस लिया है। देखिए कितना पतला पीसा हुआ है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है इसे। देखिए कितनी पतली बनी हुई है। आप इसे बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।